है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज है हल्दी का सेकेंड डे और अभी हम लोग उठ चुके हैं, सिर्फ 4 से 5 घंटा सोए, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक है और नींद भी बहुत आ रही है। तो फटाक से रेडी होते हैं, अनामिका भी रेडी हो रही है हल्दी के लिए और ये हमारी बहन अनामिका के लिए बना रही है नींबू पानी। सो जल्दी रेडी होते फिर आपको दिखाते हैं आज का फंक्शन। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हल्दी फंक्शन चालू हो चुका है और अभी हम भी बहुत सारे रस्म करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम जो भी इसका करेंगे, मैं कर रही हूँ फिलहाल भाभी के साथ और अभी शशि आ गए हैं और हम दोनों कर रहे हैं और अभी हल्दी का एंड होने वाला है, ये सब लास्ट प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद बारात आने वाली है, तो सब बहुत जल्दी हो रहा है ताकि सब जाके अच्छे से रेडी हो सके, बारात का स्वागत कर सके। सो गाइस, हम लोग सब रेडी हो गए, बारात आ गया है, मेरा गला खराब हो चुका है, ये लोग सब रेडी हो गए हैं और देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गाइस, बारात आने वाला है, बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे, देखते रहना। तो हम कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस ताकि बारात वालों को भी तो पता चले कि लड़की वाले में कितना दम है। A few moments later. तो गाइस, फाइनली बारात आ गई है और कुछ नेंग होते हैं जो सिस्टर को करना होता है, जो कर रही थी मैं। अभी यहाँ पे आ गई है दुल्हन और वो स्वागत कर रही है अपने दूल्हे का और जैसे देख सकते हैं उनके दोस्तों को कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो अब फाइनली दूल्हे को घर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं और हमारे में रस्म होता है कि दुल्हन ही अंदर लेके जाएगी और अब वो अंदर लेके जा रही है और यहाँ फोटोशूट भी कंटिन्यू है। A few moments later. तो गाइस, फाइनली द्वार प्रवेश के बाद दुल्हन शादी के जोड़े में रेडी हो गई है, अब शादी होने वाली है, बस कुछ देर ही बाकी है और इनको हम लेके जा रहे हैं मंडप के पास और यहाँ थोड़ा बहुत कुछ रस्म होगा, उसको आप देखेंगे, उसके बाद होगी शादी। तो गाइज, यहाँ पे वो रस्म चल रहा है जिसमें दुल्हन एक दूसरे के ऊपर चावल फेंकते हैं, ये शादी का एक पार्ट है, इसको सब बहुत इंजॉय करते हैं, ये बहुत फनी वे में होता है। उसके बाद होने वाली है शादी। सो जिस वक्त का इंतज़ार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, अब मंगलसूत्र का रस्म हो रहा है। शादी तो हो गई है, अब बड़ों का आशीर्वाद लेने का टाइम है। सो सब इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बाद ये स्टेज पे जाएंगे। तो गाइज, फाइनली हम निकल रहे हैं रिसेप्शन गार्डन के लिए, ऑलमोस्ट लेट हो गया, 11 बज गया, तो चलते हैं। A few moments later. आपको एक दूसरे को आई लव यू कहना है 3 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, और हमारे परिवार वाले इनका हेल्प कर सकते हैं, राइट? इंग्लिश नहीं बोलना था सर, हिंदी और इंग्लिश को नहीं बोला। चलिए, छत्तीसगढ़ी में आपको क्या बोलना है मैम को? आपको बोलना है अनामिका, बोलिए। कहाँ सर? मुझे नहीं सर, इनको देखे बोलना। ओके, अनामिका, अनामिका, अरे ओ अनामिका, अरे ओ अनामिका, मैं तो ना
प्रभु ते क्या जानबे बही क्या जानबे बही लत कुछ कुछ क्या बोले बहु चल ठीक है सरगुजिया बुलाते चल तो सरगुजिया में बोल दो अपन क्या बोलो आओ तो आप वाला बता देंगे क्या बोलो अपन थैंक यू सो मच आप लोग बैठ सकते हैं एंड हमारी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है आप प्लीज सिट हो जाएं अब सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं तहे दिल से अभिनंदन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बॉयज को जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सारी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है एंड चलिए बढ़ते हैं अपने अगली परफॉर्मेंस 3, 2, 1 एंड कैन वी हैव अ ट्रैक प्लीज तो गाइज विदाई का वक्त आ चुका है रोने की जगह सब सो रहे हैं यहाँ पे सो गाइज जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे विदाई हो रही थी बट हम बाकी वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल माहौल हो गया था और बहुत लेट नाइट हो गया था उसके बाद ये 2 दिन के बाद का क्लिप है जहाँ हम दूल्हे के रिसेप्शन में आए हुए हैं और ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाए बस इतना ही है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय आराम से उतरना साड़ी पकड़ना